Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum muazziz samain. Aaj ki is video mein hum aapki khidmat mein Allah tbarak wa taala ke ek sifati isme mubarak ka khas wazifa ek khas amal pesh karenge. Pyare nazreen, aaj ke ye wazifa khas taur par un logon ke liye hai jo bulandiye darajat chahte hain aur aala mansab chahte hain. Aala mansab aur bulandiye darjat ke liye aaj ka ye wazifa bahut hi fayda mand hai, iske bahut hi bharpoor fawaid hain. Aap is wazife ko mukammal yakeen aur bharose ke saath karein, inshaallah bharpoor fayda hoga. Iske ilawa mali nuksan se hifazat ke liye bhi aap is wazife ko kar sakte hain, is amal ko kar sakte hain. Rizq mein izafe ke liye, mali pareshani se bachne ke liye aap Allah tbarak wa taala ke is sifati isme mubarak ka ye wazifa kare, inshaallah bharpoor fayda hoga. Rizq aur mali pareshani ke hawale se jitne bhi masail hain wo Allah ke fazl o karam ke sath khatam ho jayenge. प्यारे नाजरीन, वारिस का मतलब किसी चीज का किसी के बाद मालिक होना है. दुनिया की विरासत फानी है, हर चीज का हकीकी वारिस अल्लाह ही है, क्योंकि तमाम मखलूक के खत्म होने के बाद अल्लाह ही बाकी रहेगा और उसके हजूर ही में हर चीज रजू करेगी, यानी अल्लाह तबारक व ताला ही अजली और अब्दी वारिस है. प्यारे नाजरीन, अब बढ़ते हैं आज के वजीफे की तरफ, आज के अमल की तरफ. इस्सा मुबारक अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप बड़ी तवज्जो के साथ बड़े ध्यान के साथ इस्सा मुबारक नोट फरमा लें. वो इस्सा मुबारक है या वारिसु. प्यारे नाजरीन, इस वजीफे में हसूल मनासिब और बुलंदी दर्जात की तस्वीर बहुत है, इसलिए अगर किसी मुलाजिम की तरक्की रुक जाए और महकमा तरक्की ओहदा देने पर राजी ना हो तो ऐसे शख्स को चाहिए कि इस वजीफे को बाद नमाज फजर 707 मरतबा रोजाना 41 दिन तक पढ़े, इंशाल्लाह तरक्की होके रहेगी. मुअज्जिज़ सामईन, जो शख्स रात को सोते वक्त इसमें मुबारक को रोजाना 100 मरतबा पढ़े और उसके बाद अपने माल और जान को अल्लाह की पनाह में देकर उसके महफूज रहने की दुआ करे, इंशाल्लाह उसका माल और दौलत बाहिफाजत रहेगा. मुअज्जिज़ सामईन, अगर किसी को किसी किस्म की माली परेशानी हो तो उसे चाहिए कि ईशा की नमाज से पहले इसमें मुबारक को 1111 मरतबा पढ़े और 41 दिन तक इसम को जारी रखे, इंशाल्लाह उसकी माली परेशानी दूर हो जाएगी. इसके अलावा ये वजीफा हसूल विरासत के लिए बहुत मुफीद है. इसके जाकिर को कौम की सरदारी मिलती है, औलाद और माल में बरकत पैदा होती है और जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद इस इस्म का कसरत से विर्द करने का मामूल बना ले तो उसके रिज्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम के साथ. तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.